उसके बाद नंबर आता है ऑडिशन लिंक्स एंड वीडियो लिंक्स कि आजकल क्या है कि लोग पर्सनली मिलने की बजाय ऑडिशन के लिए पर्सनली बुलाने की बजाय आपके ऑडिशन लिंक मांगना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है और फास्ट हो गया है। अब भी आप पर्सनली ऑडिशन देने जाओगे सामने वाले का भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आना जाना ये सब कन्वेंस में खर्चा है कि बहुत होता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए क्या है कि अगर आपका लुक किसी को पसंद है या आपकी स्टोरी अगर पसंद है और आप किसी कैरेक्टर में कहीं फिट बैठते हो तो वो लोग आपको बोलेंगे भाई आप अपने कुछ ऑडिशन लिंक्स भेज दो, वीडियो लिंक्स आप भेज दो, हो सकता है स्क्रिप्ट भेजें या आपने पहले से बनाए हुए हो तो उसके लिए भी हम लोग पूरा हेल्प करते हैं हमारे आर्टिस्ट को। अगर जो हमारे साथ जुड़े हुए एक्टर हैं उनको हम प्रॉपर लाइटिंग और प्रॉपर सेटअप के साथ उनके वीडियो लिंक्स हम शूट करके अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, प्रमोट करते हैं और उन लिंक को वो कहीं पे भेज के उनसे भी उनको काम मिल सकता है। तो ये बेसिक चीज है, जैसे आपने बात किया पोर्टफोलियो स्टोरी ऑडिशन, ये आपको इनिशियली स्टेज पे बहुत जरूरी है। और पोर्टफोलियो के बारे में एक बात मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो ठीक है इनिशियल स्टेज पे जरूरी है बट ये जब तक आपको काम नहीं मिलता ना तब तक इन चीजों की बहुत ज्यादा, एक बार जब आप काम करने लग जाते हो लोग आपको जानने लग जाते हैं एज एन एक्टर उनको पता चलता है तो फिर इन चीजों की भी जरूरत करीब करीब खत्म हो जाती है। फिर ठीक है किसी को जरूरत है तो आपको व्हाट्सएप पे आपको स्क्रिप्ट भेज देते हैं, आपने अपना वीडियो शूट किया उनको व्हाट्सएप कर दिया या वीडियो लिंक उनको पोस्ट कर दिया तो फिर इस तरह से काम होने लगता है। तो अगर आपको जब बॉम्बे आएंगे और ये ऑडिशन वीडियो लिंक्स की जरूरत है तो उसमें हम लोग प्रॉपर अच्छे से शूट करके देते हैं।